कर लिया। नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम। सर टेस्ट का दो क्वेश्चन पूछना बोलो बेटे। है। फिर एक क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ मैच्योरिंग फैटी सीड इज, सर इसका आंसर दे रखा है लेस देन वन, सर ग्रेटर देन वन नहीं होना चाहिए। मैच्योरिंग फैटी सीड्स में मतलब फैटी सीड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तब लेस देन वन आता है। मैंने एक वर्ड चेंज किया, आपने जब पढ़ा है तो फैट्स का ऑक्सीडेशन पढ़ा है, तो यस उस टाइम पे जो है वो मतलब जब मान लीजिए कैस्टर का सीड है, जब वो जर्मिनेट कर रहा होगा तभी तो फैट ऑक्सीडाइज होगा। इन दैट केस लेस सर, देन वन आएगा जो आपने पढ़ा। जब फैट का सीड बन रहा मतलब जब कैस्टर का सीड बन रहा होगा, कैस्टर के प्लांट में सीड बन रहा होगा, तो उस टाइम पे मोर देन वन आता है। बन रहा होगा मतलब कौन सा स्टेज, जब फ्रूट में सीड बनता है तब ग्रोइंग स्टेज में, ग्रोइंग स्टेज, जर्मिनेशन नहीं। सर मतलब सर सीडलिंग्स वाली स्टेज पे। ओके हाँ मतलब आपको ये ध्यान रखना था कि मैच्योरिंग फैटी सीड और जर्मिनेटिंग फैटी सीड, मैंने आपको जो लिखाया है वो लिखाया है कि फैट्स का लेस देन वन होता है। तो फैट्स का एग्जांपल क्या आएगा कि जब सीड जर्मिनेट करे, जब कैस्टर जर्मिनेट करेगा तो उस टाइम पे फैट ऑक्सीडाइज होगा, जबकि जब कैस्टर में सीड बन रहा है तो उस टाइम पे फैट की सिंथेसिस यानी एनाबोलिक एक्टिविटी हो रही हो, उस टाइम पे यस ग्रेटर देन वन होगा। सर एक और क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईएमपी पाथवे। सर इसका सीधा आंसर ये है कि वन ऑक्सीडेशन स्टेप एंड वन डिहाइड्रेशन। सर मैंने इसका टू ऑक्सीडेशन स्टेप और वन डिहाइड्रेशन स्टेप लगाया था। ईएमपी पाथवे में यस सर, टू ऑक्सीडेशन विथ वन डिहाइड्रेशन स्टेप। दो ऑक्सीडेशन कहाँ होते हैं? ऑक्सीडेशन तो केवल एक ही जगह होता है ना, सर वन थ्री दो बार, डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सर दो बार फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ था ना, तो उस पर दो ऑक्सीडेशन हो गए। नहीं नहीं ऊपर जो फॉस्फेट आया वो तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, तो उसे काउंट नहीं करेंगे। वो नहीं काउंट होता है। जब तो केवल यही है जो मैंने आपको बोला, एल्डिहाइड से जब एसिड बनाओगे, यस सर, फॉस्फोग्लिसरल या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यही केवल एक ऑक्सीडेशन है। सर जब ओके ठीक है सर, समझ गया। यही है, आप वहां देखो तो आपको रेस्टोरेशन में डिटेल में करा रहा मिल यस जाएगा। सर, मैंने दोनों फल कंसीडर कर लिया था फॉसिबल। कोई कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे रिवाइज हो जाएगा, ऐसी वहां में कुछ मिस्टेक्स रह जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। ओके तो सर, इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं, ताकि फिर हम डाउट्स भी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सर नेक्स्ट टेस्ट डिटेल में और भी यही ठीक दे दीजिएगा थोड़ा सा दोबारा से। है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में आपको इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना। बेसिकली जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी हम आइडिया लग जाएगा आपको मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। सिर्फ हमें बेसिकली इस चैप्टर में फंक्शंस पे फोकस है। सबसे पहली बात कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो ये फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या इकोलॉजी। क्योंकि जब आपने इकोलॉजिकल हायरार्की बनाया था तो उसमें इकोसिस्टम पहला यूनिट था, पहला लेवल था, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम था, जहाँ पे एबायोटिक या बायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे होता क्या है कि आप कोई एक बायोटिक कम्युनिटी लें, जैसे बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी बायोटिक ही होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बनती है। अब इस बायोटिक कम्युनिटी के सराउंडिंग में आप मान के चलिए कि यहाँ पे इसका ए बायोटिक इन्वायरमेंट होगा, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, है ना, ये सब चीजें इसमें आएंगी। तो ए बायोटिक इन्वायरमेंट और बायोटिक कम्युनिटी, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, ये These are called interactions. Interaction between biotic community and its abiotic environment. इन interactions की study को ecosystem के Their study is called ecosystem.
इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक और उनके बीच में होने वाले इंटरेक्शंस के बारे में हम स्टडी कर। अगर आप इसको लिखोगे तो स्टडी लिख लीजिए, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सिंपल डेफिनेशन। सर सारी बायोटिक कम्युनिटी है कोई एक पर्टिकुलर? बायोटिक मतलब लिविंग हो गया। कम्युनिटी की डेफिनेशन ये थी कि पॉपुलेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीशीज, तो बहुत सारी स्पीशीज की पॉपुलेशन आ जाएगी, अलग अलग पॉपुलेशन होगी, हर पॉपुलेशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नंबर होगा, सब कुछ लेना है। जैसे आपने पूरा फॉरेस्ट कंसिडर किया, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट अगर एक नेचुरल इकोसिस्टम है तो फॉरेस्ट में ट्री भी आ गए, बाकी के जो छोटे छोटे से लेके बड़े तक जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, जितने बैक्टीरिया फंगी हैं, सब कम्युनिटी में आ गए। और फॉरेस्ट में रेनफॉल, लाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब इसका एबायोटिक। अब इन दोनों के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं वो एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बनाए। ओके सर। नाउ इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा हो सकता है, इस चीज पे अगर आएंगे तो साइज के बेस पे अगर हम बात करें तो साइज के बेस पे सबसे छोटा इकोसिस्टम इन जनरल, अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो एक पॉन्ड है। एक पॉन्ड अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो पॉन्ड या लेक, पॉन्ड और लेक में डिफरेंस केवल इतना है साइज। पॉन्ड भी फ्रेश वाटर है, लेक भी फ्रेश वाटर है। पॉन्ड स्टेगनेंट है, पानी कहीं बाहर नहीं जा सकता, चारों तरफ मिट्टी से घिरा हुआ है। ऐसे लेक भी चारों तरफ से सॉइल से घिरी हुई है, तो पानी कहीं बाहर नहीं जा सकता। दोनों में फ्रेश वाटर है, दोनों में स्टेगनेंट रुका हुआ पानी होता है। केवल साइज का डिफरेंस है पॉन्ड और लेक में। इसीलिए पॉन्ड और लेक अभी हम पढ़ेंगे तो दोनों का कंपोजिशन भी एक ही जैसा होता है, इसलिए इन दोनों को एक ही इकोसिस्टम में रखा गया है। पॉन्ड ऑब्लिक लेक लिखा जाता है, या तो एक ऐसा इकोसिस्टम होगा ये जो यूजुअली स्मॉल साइज का है। इवन एक सिंगल ट्री भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक ट्री, क्योंकि उस ट्री पे डिपेंडेंट बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स पे डिपेंडेंट बहुत सारे उनके एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक सिंगल ट्री भी अपने आप में पूरा इकोसिस्टम है। और अगर आप वास्ट इकोसिस्टम पे जाएं, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा, तो आप पूरी अर्थ को एक इकोसिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ भी उसका एबायोटिक एनवायरनमेंट है, जिसे आप एटमॉस्फियर बोलते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ उसका, क्योंकि एटमॉस्फियर है, तो इसको बोला जाता है ग्लोबल इकोसिस्टम, जो लार्जेस्ट है, मींस बायोस्फीयर अर्थ। सर एक ये ट्री ट्री वाला स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए? ट्री और लेक की एक्चुअली कैटेगरी अलग अलग है ना, ये एक्वेटिक में है, ये टेरेस्ट्रियल में है, इसलिए सर हम दोनों ही अलग अलग। स्मॉलेस्ट है? हाँ दोनों ही स्मॉल। इसमें स्मॉलेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हर ट्री का साइज अलग है, हर पॉन्ड का डायमेंशन अलग है, अर्थ तो अर्थ ही रहेगा ना, तो ये लार्जेस्ट हो सकता है, बट इनमें स्मॉलेस्ट क्या है वो नहीं कह सकते। वो तो आप जब इकोसिस्टम को मेजर करोगे साइज के बेस पर तभी पता चलेगा कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। मान लीजिए दो पॉन्ड है, तब भी तो दोनों में से कोई ना कोई छोटा कोई ना कोई बड़ा होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट करके क्राइटेरिया फिट नहीं होता, यहाँ लार्जेस्ट फिट होता है। अर्थ से ऊपर तो कोई इकोसिस्टम नहीं है ना, ओनली लिविंग। सर एक ये सिर्फ एक ट्री होगा या हर्ब श्रब, हर्ब और श्रब भी हो सकता? सिंगल ट्री, ए ट्री मतलब एक सिंगल ट्री अपने आप में इकोसिस्टम। ओके सर। टाइप्स की बात करें, कितने टाइप के होते हैं, तो यूजुअली दो टाइप के हैं। नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम कौन से कहलाते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ जो नेचर में प्रेजेंट है वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गए। आप नेचुरल इकोसिस्टम में आप दो कैटेगरी बना सकते हैं। मान लीजिए कि सर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लैंड वाले, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गए, ये सब अपने आप में इकोसिस्टम एक्सेट्रा और भी मान सकते हैं। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो भी नेचुरल है।
अब एक्वेटिक में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ दो ऑप्शन है, या तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं, फ्रेश वाटर में फिर दो पॉसिबिलिटी हैं, पॉन्ड या लेक, इनमें रुका हुआ पानी होता है, स्टैगनेंट वाटर कहलाते हैं, रिवर या कोई भी कैनाल, इनमें फ्री फ्लोइंग वाटर होता है। रिवर भी फ्रेश वाटर होती है, बट रिवर का पानी बहता है, पॉन्ड और लेक का पानी बह नहीं सकता, तो फ्रेश वाटर में भी दो ऑप्शन है। मैरीन वाटर ले सकते हैं, तो मैरीन इकोसिस्टम हो जाएगा, जैसे ओशियन है, इसमें आप ओशियन ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, इवन जो कोस्टल एरिया होते हैं कोस्टल इकोसिस्टम के अलावा, किनारे वाले जो एरिया होते हैं वो ओपन सी से अलग होते हैं। एक समुद्र में बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए और एक समुद्र के बिल्कुल किनारे पे, दोनों जगह प्लांट और एनिमल अलग अलग होते हैं। ये जहां तक मैन मेड है, मैन मेड को टेक्निकल टर्म में एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम हो गए। मैन मेड में जैसे आर्टिफिशियल लेक बनाई, लेक बनाई हमने आर्टिफिशियल लेक, बहुत सारी लेक इंडिया में आर्टिफिशियल है हमने बनाई, और बाकी उनके अंदर प्लांट एनिमल बैक्टीरिया फंगी डिकम्पोजर्स सब कुछ वैसे ही है, बस वो लेक डिजाइन हमने। कोई भी एक्वेरियम, एक्वेरियम आपके घर का नहीं, क्योंकि यूएम, क्योंकि आपके घर में जो एक्वेरियम होता है उसमें तो केवल फिश होती है लिविंग, बाकी तो आप एक पाइप लगा देते हैं, फिशेस को खाना खुद डाल देते हैं और पानी बदलते रहते हैं, वो एक्वेरियम नहीं, बड़े बड़े एक्वेरियम जैसे यूजुअली दुबई वगैरह में दिखाए जाते हैं, तो अगर आप वहां देखेंगे तो वहां पे एक्वेरियम में प्लांट भी है, ओरिजिनल प्लांट है, एनिमल भी है, वहां पे किसी फिश को डेथ होने के बाद निकाला नहीं जाता, वो फिश वहीं डिकम्पोज होगी और वो डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल है वो प्लांट खुद यूटिलाइज कर लेगा अपनी फोटोसिंथेसिस में। सो दैट इज अ नेचर, है ना, बनाया हमने है, एक्वेरियम साइज बड़ा है इसलिए वो मैन मेड सिस्टम के अंदर। इवन जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, क्रॉप फील्ड्स, वो भी हमने डिजाइन की, क्योंकि वहां कितना पानी आएगा, वहां पे कितनी न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, कौन से फर्टिलाइजर किस टाइम पे दिए जाएंगे, क्रॉप कैसे लगेगी, बैक्टीरिया फंगी को डिजीज कॉज करने से कैसे रोका जाएगा, हम सब कैलकुलेट कर। तो क्रॉप फील्ड जो है वो मैन मेड इको सिस्टम का एग्जाम्पल, क्रॉप फील्ड मतलब एग्रीकल्चर लैंड जहां भी आप खेती करते हैं किसी भी चीज। तो एक जनरल लेआउट है कि साइज और टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं और इकोसिस्टम की डेफिनेशन। सर आपने फ्रेश वाटर में जो स्टैग्नेंट वाला है इसमें पॉन्ड और लेक लिखा है, पॉन्ड एंड लेक दो एग्जांपल है, वो एक है। पॉन्ड और लेक का जो कंपोजिशन है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो एग्जैक्टली सेम है। पॉन्ड में भी फाइटोप्लैंक्टन, लेक में भी फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट पॉन्ड में भी जूप्लैंक्टन, लेक में भी वैसे ही रहता है। पॉन्ड में भी वही कंज्यूमर डिकम्पोजर है जो लेक में है, पॉन्ड में भी वही फिशेज होती है जो लेक में होती है, तो एक्चुअली उसको एक ही कंसिडर किया गया, पॉन्ड या लेक एक ही इकोसिस्टम होता है। सर ये टाउनशिप भी हो सकता है क्या इसमें मैन मेड में? कौन सा सर, मतलब जो ह्यूमंस सर एक एरिया में बस जाते हैं तो फिर वो भी तो एक इकोसिस्टम नहीं, नहीं, तो वहाँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, वहाँ पे हम ही तो बसे हैं, वहाँ पे और एनिमल्स कहाँ पे हैं, और प्लांट्स तो कहीं है ही नहीं, प्लांट्स तो फिर भी आप लगा लोगे, एनिमल्स को तो नहीं रखते ना, और बैक्टीरिया। लेकिन वो धीरे धीरे आते तो रहते हैं ना, मतलब बहुत सारे। नहीं, रहना और आते रहना अलग बात है, विजिट करना और इनहेबिट करना दो अलग अलग चीज है। ओके सर, हम उस चीज में हाँ, लेक में अब आप जब एनिमल्स होंगे तो सारे एनिमल्स होंगे वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को मना कर रहे हैं, कुछ नहीं। यूजुअली जो पॉन्ड और लेक में सर्वाइव कर सकते हैं वो सारे आर्टिफिशियल लेक में होते हैं। मान लीजिए मैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि चैप्टर में स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों है, तो स्ट्रक्चर का मोस्ट ऑफ द कंटेंट हम पढ़ चुके हैं। किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे कोई भी इकोसिस्टम ले, जितने भी अभी आपने नाम लिखे, दो चीजें होंगी अभी डेफिनेशन में, जैसे हमने लिखा दो ही पॉसिबिलिटी है, बायोटिक और एबायोटिक। तो इकोसिस्टम में एक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं,
एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी आप दो चाहे तो दो ऑप्शन बना सकते हैं, फिजिकल फैक्टर या फिजिकल कंपोनेंट और केमिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स। यानी मैसेज अनस मैनमेड का दूसरा नाम क्या बताया था सर ने, एंथ्रोप्रोजेनिक बेटा, कृष्णा ने रिप्लाई कर दिया एंथ्रोप्रोजेनिक है ना, कई बार आएगा अभी तो आप उसे देख लेना पड़ा एंथ्रोप्रोजेनिक। सो फिजिकल और केमिकल अलग अलग कर लीजिए। अब ये जो फैक्टर्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल केमिकल, ये वही है जो आपने अभी पिछले चैप्टर में मेजर एबायोटिक फैक्टर करके पढ़ा, तो एक्चुअली इनके बारे में पिछले चैप्टर में ही डिस्कस कर दिया गया। आप लिखना चाहें आपकी मर्जी, दोबारा लिख लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, डिस्क्रिप्शन आपके पास ऑलरेडी है, लाइट हो गया, लाइट फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टोपोग्राफी आपको पढ़ाया था, एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड में चेंजेस, नेचुरल फायर एंड ग्रेजिंग एटसेट्रा, दीज ऑल आर फिजिकल फैक्टर्स। इन सब के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते। ऐसे केमिकल फैक्टर की बात करेंगे तो वाटर हो गया, वाटर में जो सॉइल हो गया, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं आप, जैसे सॉइल में जो डिजॉल्व सॉल्ट्स होंगे जिनकी वजह से सॉइल की एक पीएच आएगी, तो पीएच इज ए केमिकल फैक्टर, और सॉइल में कोई टॉक्सिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये हो, टॉक्सिक कंपाउंड इफ प्रेजेंट तो वो भी केमिकल कंपोनेंट में आ जाएगी। टॉक्सिक कंपाउंड लाइक जैसे कोई फैक्ट्री लगी हुई है जिसको ऑलरेडी 100 साल हो गया, अब किसी भी फैक्ट्री से निकलने वाला जो एफ्लुएंट होगा, जो गंदा पानी होगा, वो वहां के नियर बाई वाटर बॉडी में जा रहा है या नियर बाई सॉइल या लैंड में उसे छोड़ा जा रहा है, तो उस लैंड के लिए या उस वाटर बॉडी के लिए वो टॉक्सिक कंपाउंड उसके इकोसिस्टम का पार्ट हो गया, बिकॉज 100 ईयर इज ए बिग टाइम। इतने टाइम में तो जो उस लेक में या उस सॉइल में जो प्लांट्स या एनिमल्स होंगे उन पर डिपेंडेंट, वो एक्वायर्ड हो चुके होंगे उस टॉक्सिक कंसंट्रेशन के लिए जो फैक्ट्री से निकल, तो दैट्स व्हाई वो टॉक्सिक कंपाउंड भी कंसिडर कर लिया। अब जैसे मान लीजिए देहरादून की बात करें, कोई अगर जानता होगा तो देहरादून में मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है ना, जहाँ पे जो डिफेंस के लोग हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है, तो अब वहां पे क्या, वो आज से नहीं है, वो ब्रिटिशर्स के टाइम से बनी हुई है, तो वहां पे एक फायरिंग रेंज है जहाँ पे बुलेट्स निकलेंगी, वहां पे आपको चला मशीन गन या जितने भी वेपन्स है वो चलाना सिखाया जा रहा है। अब बुलेट्स के अंदर क्या है, लेड प्रेजेंट होता है, किसी भी बुलेट में आपको लेड मिल जाएगा, तो उस पूरे एरिया के लिए जो लेड की प्रेजेंस है वो अब उसके इकोसिस्टम का पार्ट है। नॉर्मली अर्थ के क्रस्ट में लेड है, लेड होगा ऊपर तो मिट्टी में तो लेड नहीं होता, लेकिन उस पूरे कई किलोमीटर की रेंज में आपको लेड के पार्टिकल्स बहुत सारे मिले। अब ऐसा तो नहीं है कि लेड एक टॉक्सिक कंपाउंड है तो प्लांट या एनिमल ग्रो करना बंद कर देंगे, हुआ क्या है इस पूरे 100-150 सालों के टाइम पीरियड में वहां पे जो प्लांट और एनिमल है तो उस लेड के लिए एक्वायर्ड हो गए, अब उन्हें वो लेड हार्म नहीं पहुंचा, तो ऐसे केस में वो लेड जो है वो वहां का केमिकल कंपोनेंट बन गया ना, उस हिली एरिया का एक इंटीग्रल कंपोनेंट मान लिया। तो स्ट्रक्चर में केमिकल और फिजिकल फैक्टर अलग अलग अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है, तो कर सकते। एक्चुअली इस टॉपिक में जो आप पढ़ेंगे वो बायोटिक कंपोनेंट, कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स। सर वाटर कैसे केमिकल कंपोनेंट आ गया? बेटा वाटर तो केमिकल कंपोनेंट ही है, वाटर में केमिस्ट्री ही तो है। ओके सर। सर
सर जब वाटर केमिकल में है तो रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल सिर्फ केमिकल में आना चाहिए ना? नहीं, रेनफॉल फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्लाउड्स बनेंगे और उसके हिसाब से भी है। ओके सर, सो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बायोटिक में तीन होते हैं, 10th में आपने पढ़े होंगे, इनमें कुछ ऐसा समझाने का है इजी है। एक प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, इनको आप ऑटो मतलब सेल्फ ट्रॉफ का मतलब होता है फूड लेवल, तो प्रोड्यूसर्स को आप ऑटो ट्रॉफ्स बोलते हैं, जो फूड की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाई, जिसमें ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। क्योंकि यहाँ पे नीट में एक क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा सोचने का पड़ गया। यूजुअली क्या है कि हम समझते हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं तो ग्रीन प्लांट्स होंगे, फोटोसिंथेसिस जिसमें हो, बट एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जिसमें कीमोसिंथेसिस भी हो। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहीं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मोनेरा में भी पढ़ाया था, और फिर मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा था कि नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं। तो जिनमें भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या कीमोसिंथेसिस हो, वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए कहीं पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है तो दे आर बेसिकली तो ये कहलाता है ना। यहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक दोनों आएंगे। बस ये कीमोसिंथेटिक जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है तो रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो खाना नहीं बना सकते वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर, जैसे हम सब हैं, इनका कोई लेवल नहीं है, सो दे आर हेटरोट्रॉफ। हेटरो मतलब डिफरेंट लेवल है इनकी, इसलिए इन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ये अपना खान, इनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर। हर्बीवोर्स को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी कंज्यूमर बोलोगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कार्निवोर होते हैं, एक एनिमल से न्यूट्रिशन ले सकता है, उसका सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरे ऐसे होते हैं जो इन दोनों के डेड मटेरियल पे फीड करते हैं, दे आर डीकम्पोजर। इनको आप डेट्रीवोर्स बोलते हो क्योंकि ये तो डेड बॉडी पे फीड करते हैं। सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफिक लेवल होता है तो डीकम्पोजर, डेट्रीवोर्स, सेप्रोट्रॉफ। इनके एग्जांपल लिख देता हूँ, इनमें हमेशा बैक्टीरिया आएगा, फंगी आ जाएगा, ठीक है। सर एनिमल्स नहीं होंगे? एनिमल्स कंज्यूमर होते हैं, ये तो पता कर ही लोगे ना। हर्बीवोर कार्निवोर एनिमल कौन सा है? रैबिट, लाइन, फॉक्स, डॉग, कैट। सर सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं ना कुछ? वो स्कैवेंजर होते हैं, जो डेड बॉडी पे फीड करते हैं वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर, दे आर नॉट प्रीडेटर। प्रीडेटर, आपने प्रीडेशन तो रिसेंटली कंप्लीट तो किया सर ही, वो किस में आएंगे फिर?
वो अलग लेवल है। स्कैवेंजर्स को अगर रखोगे भी तो डिकम्पोजर्स में, वो उन्हें डिकम्पोजर नहीं बोला जाता, उन्हें फिर हम सेप्रोट्रॉफिक एनिमल बोल देते हैं। डिकम्पोजर वर्ड यूजली बैक्टीरिया फंगी के लिए, क्योंकि माइक्रो, अभी हम डिकम्पोजिशन इसी चैप्टर में प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उस प्रोसेस के हिसाब से नाम डिकम्पोजर दिया गया। और वो प्रोसेस स्कैवेंजर से नहीं होता, वो प्रोसेस स्कैवेंजर के बाद उनकी बॉडी का भी जो होगा वो ये। डिकम्पोजर में तो सड़ना गलना, अब स्कैवेंजर सड़े गले चीज को ना खाते हैं, बस वो डेड बॉडी पे फीड करते हैं, तो दैट इज अनदर लेवल। बट फिर भी स्कैवेंजिंग अगर आएगा तो आप इसको डेट्रीवोर्स या सेप्रोट्रॉफ बोलते हो, यूजुअली डिकम्पोजर्स नहीं बोलते। यहाँ पे स्कैवेंजर अगर आएंगे भी तो बस ये याद रखना है कि डिकम्पोजर के लिए वर्ड यूज नहीं करना, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। आएगा इसी कैटेगरी में, बट क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है, वो किसी लाइव एनिमल में फीड नहीं कर रहे, प्लांट्स या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकते। जस्ट अ मिनट, मैं भी आया। ओके, अब चैप्टर का मेन कंटेंट आते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर इसी चैप्टर में दिए। नाउ इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, उन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं। इसमें आप अलग अलग चीजें पढ़ोगे, मैं पहले हेडिंग्स लिख दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। बस ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे, है ना। इसके बाद आएगा फूड चेन एंड फूड वेब, फिर आएगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फिर आएगा एनर्जी फ्लो, देन कम्स टू मास फ्लो। मास को आप न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहते हैं। देन वी हैव प्रोडक्टिविटी। एनसीईआरटी के हिसाब से आगे पीछे हेडिंग हो सकती है, मैं अपने हिसाब से लिख दे रहा हूँ। इकोलॉजिकल सक्सेशन, डीकंपोजिशन, इन सब हेडिंग्स के बारे में। ये सब इकोसिस्टम के फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है वो ये। इनमें से जो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ये दोनों ये किसी भी इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और कुछ हो या ना हो ये दोनों जरूर होंगे। सो दीज आर टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोसिस्टम की, तो उसका आंसर होगा
एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग या मास का फ्लो कह सकते हैं। ये तो एक जनरल हो गई बात, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में एक कह सकते हैं कि अलग से दे रखा है, स्पेशली अगर एक फॉरेस्ट में हम ले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, तो उसमें इन चीजों के अलावा एक और प्रॉपर्टी है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज लेयरिंग। लेयरिंग स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, यहां से देखते हैं। इन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे क्या है, देर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन इज फॉर्म्ड। है स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, तो आप ऊंचाई में देखोगे तो आपको अलग अलग लेयर्स नजर आएंगी डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द प्लांट्स। ये केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है, ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चर का ही एंगल है, बट ये केवल और केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए अप्लाई। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज करेक्टराइज बाई वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। एक क्वेश्चन ऐसा भी नीट में आया जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन और वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन दोनों चीजें थी, तो अगर आपको याद हो तो स्ट्रेटिफिकेशन आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए एक मेथड था जिसको नाम दिया था स्ट्रेटिफिकेशन, और यहाँ जो है वो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है ना, ये इकोसिस्टम में है और वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ए मेथड टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। तो दोनों वर्ल्ड बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सिमिलरिटीज है इन टर्म्स ऑफ नेम्स, तो कंफ्यूजन उससे नहीं करना है ना। दिस इज ऑलवेज वर्टिकल। यहाँ पे होता क्या है कि प्लांट की अलग अलग ट्रिक्स, जैसे किसी मूवी में देखा हो या कभी खुद भी आप किसी रेन फॉरेस्ट में जाएं अगर, तो आप फॉरेस्ट में जब खड़े होंगे, फॉरेस्ट के फ्लोर पे खड़े होंगे, सामने की तरफ देखेंगे तो आपको अलग अलग हाइट के क्लियर ट्री या जोन दिखाई देंगे, उन्हीं को नाम दिया गया है वर्टिकल। कौन कौन सी इसमें लेयर होती है, फाइव लेयर्स आपको नजर आएंगी। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा हाइट के जो ट्री होते हैं उसे बोलते हैं इमर्जेंट लेयर, इसको आप फर्स्ट स्टोरी, जैसे कोई बिल्डिंग होती है फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी, वैसे हम ये वो है जो यूजली आप जैसे मूवीज में देखते हो कि चॉपर से दिखाया गया किसी फॉरेस्ट को, तो आपको केवल ट्री ट्री नजर आ रहा है, उस फॉरेस्ट के नीचे जंगल में कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि जो ऊपर आ रहा है वो टॉल ट्री की कैनोपी नजर आ रही है। इमर्जेंट लेयर किससे बनती है कि टॉप मोस्ट है सबसे ऊपर, यहाँ पे टॉल ट्रीज आएंगे, टॉलेस्ट लिख सकते हो आप उस फॉरेस्ट में जो सबसे बड़े होंगे वो यहाँ पे आएंगे, जिनकी लीफ बहुत बड़ी बड़ी होती है, ब्रॉड लीफ वाले हैं और एवर ग्रीन है, हमेशा ये ग्रीन ही रहते हैं ट्रीज है। ऐसे पेड़ आएंगे जिनकी लीफ बहुत बड़ी बड़ी हैं और वह पूरे साल भर ग्रीन रहती है, उनसे जो लेयर बनेगी जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे एमर्जेंट लेयर या फर्स्ट स्टोरी कहते हैं। फिर इसके नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, फिर इससे नीचे जो आता है वो है सेकंड स्टोरी सेकंड लेयर, इसको बोलते हैं कैनोपी। यहाँ पे भी ट्रीज ही आएंगे, यही ट्रीज होंगे जो आपके यहाँ है वो यहाँ पे भी होंगे, बट ये छोटे हैं और इनके ऊपर की जो ब्रांचेस है वो इनसे ऊपर तो नहीं निकल पाएंगे, तो वो यहीं तक रहेंगे, तो ये बनता है टॉप ब्रांचेस ऑफ शॉर्टर ट्रीज। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में ट्रीज तो होंगे ही होंगे, तो एक टॉल ट्री टॉलेस्ट और उससे छोटे जो है वो, ये दोनों मिलके ही ऑलमोस्ट पूरा फॉरेस्ट जो दिखाई देता है वो कवर अप कर ले, एमर्जेंट यानी फर्स्ट लेयर, कैनोपी यानी कि सेकंड। इन दोनों की छाओ के नीचे जो पौधे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं अंडर स्टोरी। यहाँ पे स्मॉलर ट्रीज आएंगे,
और छोटे या कुछ प्लांट्स हो जाएंगे जो इनकी ब्रांचेस पे भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपने लाइनास पढ़ा था, लाइनास याद हो तो बड़े पेड़ का जो स्टेम होगा, ट्री का जो स्टेम है उनके ऊपर क्वाइल करके कमेंसलिज्म में पढ़ाया था। एंड एपीफाइट्स, एपीफाइट्स जो ब्रांचेस के ऊपर प्लांट ग्रो कर जाते हैं वो, तो इन दोनों की ब्रांचेस और इन दोनों के स्टेम के ऊपर क्वाइल करके जो पौधे होंगे वो सब अंडर स्टोरी में आते हैं। इनको लाइट थोड़ी कम मिलती है इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए इनका क्लोरोफिल कंटेंट बहुत ज्यादा हुआ, नेचर ने ज्यादा दिया है। लाइट कम मिलेगी, क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो जितनी फोटोसिंथेसिस चाहिए उतनी ही कर लेंगे। डार्क ग्रीन कलर के होते हैं तो दे रिसीव डिम लाइट, क्योंकि सारी लाइट तो ऊपर के दोनों लेयर में रोक दी, बट हैव हाई क्लोरोफिल कंटेंट। इनमें क्लोरोफिल ज्यादा होगा लेकिन लाइट कम मिलेगी। फिर चौथी हाइट के हिसाब से ये ट्री होगा, ट्री से छोटे जो होते हैं वो श्रब, तो एक श्रब की लेयर होगी। अगर आप 6 फुट के हैं तो 6 फुट की हाइट तक के जो आपको झाड़ी झाड़ी से पौधे दिखाई देंगे वो, और एक कहलाता है ग्राउंड लेयर या ग्राउंड स्टोरी जो फॉरेस्ट का फ्लोर है। फॉरेस्ट फ्लोर ये पूरा डार्क, यूजुअली ट्रॉपिकल रेनफॉल में, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे कोई लाइट नहीं आती, तो आपको प्लांट अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट पहुंच रही है तो उस हिसाब से मिलेंगे। डार्क है, ऑलमोस्ट नो सनलाइट। तो ये पांच अलग अलग लेयर हैं और सारी प्रोड्यूसर्स की ही बात हुई है। तो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि प्लांट्स की अलग अलग हाइट के हिसाब से बन। हाँ यस तो ये तो फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, आपकी कितने देर। अब पहले हम पढ़ेंगे किसी पॉन्ड या सर, जो लेक। फॉरेस्ट फ्लोर होता है वो ग्रास से ही बना होगा ना? नहीं, ग्रास नहीं होती फॉरेस्ट में, ग्रास तो ग्रासलैंड में होती है। अगर आप फॉरेस्ट को अच्छा फॉरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं क्या कोई आप में से? फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, क्या फॉरेस्ट होता है? किसी छोटे बच्चे को समझाना हो तो जंगल कैसे समझेंगे या ग्रासलैंड को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि हम यूजुअली यूज तो अगर करते हैं लार्ज तो एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। वो तो आम का बाग भी बन जाएगा, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। ऑर्चर्ड भी तो हो गया, वो गार्डन भी हो सकता है। फॉरेस्ट भी, ग्रुप और ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, में श्रब्स। ट्री और शब्द तो आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। आप एक जो प्रॉपर ग्रासलैंड है, जो जैसे रशिया में ग्रासलैंड है, अफ्रीका में ग्रासलैंड है, वहां पे ट्री और शब्द दोनों भी होते हैं। सर लैंड डोमिनेटेड बाय ट्रीज। हाँ, लैंड में ट्रीज अगर होंगे तो फॉरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी फॉरेस्ट में, दुनिया के किसी भी फॉरेस्ट में जाओगे ट्री के अलावा भी उसमें प्लांट्स होंगे। अभी आपने लिखा ना, ट्री के अलावा लाइनास भी हैं, एपीफाइट्स भी हैं और श्रब वाले प्लांट भी आ रहे हैं, तो सिर्फ ट्री से थोड़ा बात बनेगी। डोमिनेटेड बाय ट्रीज बाकी हाँ, तो होंगे। डोमिनेटेड। हाँ तो फिर क्या लेना है, किस एरिया में डोमिनेटेड बाय ट्री लेना है? कोई भी नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब जहाँ रैंडम प्लांट ग्रो करते हैं, नेचुरल है ना, ए नेचुरल वेजिटेशन विच इज प्री डोमिनेटेड बाय ए टॉल ट्री स्पीशीज। ट्री भी कोई एक ही होगा, ये नहीं कि आप 10-12 तरीके के ट्री किसी फॉरेस्ट में लगा दो। दुनिया का कोई फॉरेस्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे ट्री की जो स्पीशीज है वो एक के अलावा हो। अगर जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो या तो पाइन फॉरेस्ट है क्योंकि उसमें पाइनस के ट्री डोमिनेटेड ट्री स्पीशीज है, या फिर सॉल के फॉरेस्ट आते हैं, या हिमाचल में जाएंगे तो देवदार के फॉरेस्ट है,
और ऊपर अगर आप जाएंगे कश्मीर से ऊपर जाएंगे तो रोडोडेंड्रॉन बुरांश के जंगल होते हैं, तो कोई एक ही ट्री स्पीशीज होगी जो डोमिनेटेड होगी, सारी नहीं हो सकती है, रैंडम नहीं ले सकते कि आप कोई भी ट्री ले लें। तो ए नेचुरल वेजिटेशन विच इज प्री डोमिनेटेड बाई ए टॉल ट्री स्पीशीज उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही नेचुरल वेजिटेशन विच इज डोमिनेटेड बाई ग्रासेस, अब डोमिनेटेड बाई ग्रासेस है तो वो ग्रासलैंड कहलाएगा, उसमें बीच में कोई ट्री आ गया तो वो ग्रासलैंड में इंक्लूडेड है। कई सारे ग्रासलैंड हैं, बीच बीच में एक दो ट्री दूर दराज में दिख जाए, उतना टॉल नहीं दिखाई देगा जितना फॉरेस्ट होगा, लेकिन छोटा मोटा ट्री, बबूल का कांटा आपको, बबूल का ट्री आपको ग्रासलैंड में दिख जाएगा। तो ऐसे ही फॉरेस्ट की भी इसी तरीके से डेफिनेशन ली गई, केवल एक से नहीं होगा, एक तो डोमिनेटिंग ट्री स्पीशीज होगी जो मेन है, जिसके नाम पे फॉरेस्ट जाना जाता है। कोई भी फॉरेस्ट को देखोगे तो यही होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो उसमें जब आप, ये तो लोकेलिटी हो गई कि वो ट्रॉपिकल बेल्ट में एवरग्रीन है इसलिए रेनफॉल बहुत ज्यादा है तो एवरग्रीन हो गए। अब जब आप पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं है कि असम का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेघालय के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से मैच कर जाएगा, आप वहां पे पहुंचेंगे तो वहां तब जाके पता चलेगा कि असम वाली रेंज में कौन सी डोमिनेटिंग ट्री स्पीशीज है, मेघालय नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम ना है ना, इन सब में क्या चल रहा है, उधर अंडमान निकोबार में कौन सी है, और फिर उसके अलावा अफ्रीका या साउथ अमेरिका में सारे ट्रॉपिकल बेल्ट पे ही है, तो सब में कोई ना कोई ट्री स्पीशीज डोमिनेंट जरूर होगी। अब आते हैं पॉन्ड या सर लेक। हाँ बोलो, सर फर्न्स अंडर स्टोरी में आएंगे? कौन फर्न? यस सर। फर्न के ग्रो करने की टेंडेंसी है, फर्न यूजुअली जो है वो फॉरेस्ट के सर वो फ्लोर तो पे ग्रो ज्यादा कर रहे हैं, ग्राउंड स्टोरी में ग्रो कर सर रहे हैं, और अगर ब्रांच पे ग्रो कर गए तो ब्रांच में फिर आप अंडर स्टोरी में कंसिडर, वो तो आपने कोई नाम तो लिखा नहीं है, वो तो अगर टेंडेंसी है कि यस वो सर। ट्री की ब्रांचेस या स्टेम पे ग्रो कर गए तो फिर अंडर स्टोरी में काउंट कर लीजिए, अगर फॉरेस्ट के फ्लोर पे ग्रो कर रहे हैं तो वहां काउंट कर लीजिए। तो श्रब लेयर में कौन कौन कैसे कैसे प्लांट आ जाएंगे? श्रब लेयर में जो मीडियम साइज के जो बड़ी श्रब्स होते हैं वही आएंगे, अकेसिया जिजिफस है ना, इस टाइप के जो ट्री है, यस प्रॉस्पेक्ट, सर। ये सब आएंगे। नाउ पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम के बारे में कंस्ट्रक्शन क्या है, सर प्रीडोमिनेटेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रीडोमिनेटेड मतलब जो नेचर के हिसाब से प्रेजेंट है, एक तो होता है डोमिनेटेड, डोमिनेटेड में ये भी होता है कि कंपटीशन में डोमिनेट कर जाए, सुपीरियर इंफीरियर इस चीज। प्रीडोमिनेटेड का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, अब जैसे देहरादून में पाइन फॉरेस्ट ही रही है तो अब ये कभी हो ही नहीं सकता, जब तक मतलब अगर हम कहें तो 5,000 सालों में भी, आने वाले 5,000 ईयर्स में भी ऐसा नहीं होगा कि देहरादून और उसके मसूरी आसपास की जो बेल्ट है वहां से पाइन फॉरेस्ट हट जाए और कोई और ट्री आ जाए, वो उसे एवोल्यूशन से मिला तो वो हमेशा पाइन फॉरेस्ट की रेंज रहेगी। उधर आप अल्मोड़ा चले जाइए तो वहाँ अल्मोड़ा रानी के सब पाइन फॉरेस्ट है, जो गए होंगे वो देखा होगा सड़क के दोनों तरफ केवल चीड़ के जंगल है और कुछ नहीं। अगर आप शिमला से ऊपर की हाइट पे जाओगे, कसौली जाइए, शिमला जाइए, कुफरी जाइए, तो सब देवदार के जंगल है, और अगर आप बर्फ के पहाड़ों में कभी गए हो या उत्तराखंड में आप उत्तरकाशी से ऊपर चले जाइए तो वहाँ बुरांश के ट्री, रोडोडेंड्रॉन के फॉरेस्ट, तो ये बाई नेचर बाई एवोल्यूशन वहाँ पे, That's why हमने predominated बोलते हैं। ओके सर। So what is pond और lake ecosystem? कोई भी ecosystem हो, ये जो line आप, ये जो terms लिखने वाले हैं वो सब ecosystem पे apply होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी apply हो रहे हैं। ये self sustainable है, self sustain करने का मतलब है अपने आप manage हो जाते हैं, pond या lake को हम manage नहीं करते, कोई भी ह्यूमन की कॉलोनी पॉन्ड में पानी भरती नहीं है, पानी निकाल भी रहती है तो पॉन्ड नेचुरली फेल होगा, पॉन्ड में कौन सी फिशेज आएंगी, कौन से प्लांट्स रहेंगे वो नेचर डिसाइड करती है, हम नहीं। सो दैट्स व्हाई ये नेचुरल इकोसिस्टम, सो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट कहलाती है, विद सिंपल स्ट्रक्चर। पॉन्ड या लेक सबसे सिंपल इकोसिस्टम माना जाता है, इसमें बहुत ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी नहीं होती है ना, शैलो होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता, और फ्रेश वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर स्टेगनेंट बॉडी, तो ये पॉन्ड की डेफिनेशन हो गई। सेल्फ सस्टेनेबल तो हटा दीजिए क्योंकि वो इकोसिस्टम के साथ जुड़ता है, अगर कहा जाए कि पॉन्ड क्या है तो इट्स अ शैलो स्टेगनेंट फ्रेश वाटर बॉडी विद सिंपल स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए? अभी हमने पढ़ा कुछ एबायोटिक कंपोनेंट और कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स। तो पॉन्ड में एबायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे? डिसॉल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ गए जो भी पॉन्ड के वाटर में डिसॉल्व है, वो सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पॉन्ड का जो बॉटम होता है वहां ज्यादा होते हैं, बिकॉज कोई भी प्लांट या कोई एनिमल की जब डेथ होगी तो वो बॉटम पे ही जाएगा, कहीं बह के तो जा नहीं सकता क्योंकि पानी रुका हुआ है। तो न्यूट्रिएंट का डिपोजिशन पॉन्ड के बॉटम पे सबसे ज्यादा होता है, तो बॉटम पे जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बोला जाता है। सो डिजॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल है एट द बॉटम। तो न्यूट्रिएंट्स आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? बॉटम पे मिलेंगे। जहां तक सोलर लाइट की बात है, सोलर इनपुट की बात है, जो सनलाइट पॉन्ड में आएगी, पॉन्ड की गहराई ज्यादा नहीं है तो लाइट पेनिट्रेट करके पॉन्ड के बॉटम तक पहुंच जाएगी, तो सोलर लाइट इनपुट आए, सोलर इनपुट आ जाएगा। टेम्परेचर उसी के हिसाब से आप मान सकते हैं, डे लेंथ भी होती है और एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो पॉन्ड में अगर है तो वो कंसिडर आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स में करनी है। तो पॉन्ड के एबायोटिक कंपोनेंट्स में ये सारी चीजें, क्योंकि ये एबायोटिक है तो इसमें आप पढ़ोगे तो प्योर केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिकल केमिकल। और वैसे भी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पीएच, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये सब आप ऑलरेडी, लाइट, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो बायोटिक में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंकटन होंगे। फाइटोप्लैंकटन आपको मैंने प्रोटिस्टा में पढ़ाए थे, डायटम्स एंड डेसमेट्स, क्राइसोफाइट्स में मैंने पढ़ाया था आपको, नहीं तो भूल भी जाता हूँ मैंने किसको क्या क्या। एनी हाउ, आपने चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन लिखा होगा, चीफ लिखा है इसलिए ओशियन, बिकॉज एरिया वाइज बड़ा हो जाएगा ओशियन, नहीं तो पॉन्ड से लेके ओशियन तक फाइटोप्लैंकटन्स हर जगह होते हैं, जो आपने डायटम्स एंड डेसमेट्स अंडर क्राइसोफाइट्स किंगडम प्रोटिस्टा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे आपने पढ़े, यहाँ पे भी। इसके अलावा पॉन्ड में कुछ एल्गी भी होती है, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे प्लांट में जो ऊपर तैरते होंगे, कुछ पानी में डूबे होंगे तो सबमर्ज प्लांट होंगे, और कुछ पॉन्ड के मार्जिन पे होते हैं जो तालाब के किनारे होते हैं। जैसे कमल का पौधा देखोगे तो तालाब के किनारे होते हैं, उसकी जड़ें जो पॉन्ड का किनारा है ना वहां होती है, और लीफ ऊपर तैरती रहती है। आइकॉर्निया पिस्टिया है तो वो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। हाइड्रा वैलिस्नेरिया है तो पॉन्ड के बॉटम पे होते हैं, सबमर्ज प्लांट है। फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, सबमर्ज भी हो सकते हैं। इसके अलावा मार्जिनल, मार्जिनल जो फिक्स्ड प्लांट्स भी, तो पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स माइक्रोस्कोपिक डायटम्स भी हैं, एल्गी भी हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक जो बिग साइज के हैं वो भी हैं। पॉन्ड में ऑब्वियस सी बात है कोई ट्री नहीं होगा, कोई श्रब नहीं होगा। कंज्यूमर्स कौन से आते हैं? कंज्यूमर्स में जू प्लैंकटन आएंगे जो हर्बी बोरस होते हैं, और इसके अलावा कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं कार्निवोर जो तैरती रहती है मछलियां, वो मान सकते हैं। या बॉटम पे जो फीड करने वाले होते हैं, आपको पढ़ाया था जब मैंने न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जब आपने सॉइल एज ए फैक्टर पढ़ा था तब आपको लिखाया था कि बॉटम फीडर्स जिन्हें बैंथिक एनिमल्स कहते हैं उनके लिए सॉइल सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पॉन्ड के बॉटम पे क्योंकि सारा डेड मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है तो वहां पे मोलस्क और क्रस्टेशियंस एनिमल्स होंगे जो डेड बॉडी पे फीड करते हैं, तो बॉटम फीडर्स भी होंगे, है ना? बॉटम फीडर्स, बॉटम फीडर्स बेंथिक एनिमल्स। सर मार्जिनल फिश प्लांट्स में आएगा जो आप अभी कमल वाला बता रहे थे जो रिवर के हाँ, बैंक पे होते हैं? मार्जिनल फिक्स वाले होते हैं रूटेड, जो जिनकी जड़ें होती हैं मिट्टी में, बट पौधा आपको पानी में तैरता हुआ नजर आए, जैसे लोटस का होता ओके सर। है। और जहां तक डीकम्पोजर की बात है, डेड बॉडी को डीकम्पोज करने के लिए
बैक्टीरिया, फंगी, कुछ फ्लैजिलेट्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स, वो डेड मैटर पे जाते हैं, और कुछ रे फंगी होती है, रे फंगी एक्टिनोमाइसिटीज, माइसीलियल बैक्टीरिया बोल रहे। एक जनरल स्ट्रक्चर, क्योंकि टॉपिक दिया है बुक में आपके, दैट्स व्हाई हम इसे पढ़, कोई भी स्पेसिफिक नेम आप मेंशन नहीं करते, सिर्फ कैटेगरी वाइज चीजों को देखते। ऐसे ही पॉन्ड में अगर आप फंक्शंस की बात करेंगे तो वो सारी चीजें जो भी आपने पीछे पेपर पे लिखी, क्योंकि वो तो इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं, और पॉन्ड या लेक एक इकोसिस्टम है, तो फंक्शंस यहाँ भी पूरे होंगे। सिंपल लिखेंगे तो परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जितने भी फंक्शंस हैं वो, है ना, फोटोसिंथेसिस होगी, जैसे कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं यूजिंग द सनलाइट, है ना, तो फोटोसिंथेसिस पॉन्ड के अंदर भी हो रहा है ना। डिकम्पोजिशन भी होगा, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में तोड़ा जाएगा, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, मिनरल्स का फॉर्मेशन डेड बॉडी से ऑफ डेड मैटर, ये भी पॉन्ड या लेक में है। एनर्जी और मास फ्लो, अभी मैंने लिखा कि वो तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, बिना उनके तो काम कुछ हो ही नहीं सकता, तो एनर्जी और मास फ्लो भी हो। सर मिनरलाइजेशन की क्या डिफाइन बताई अभी आपने? मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स बनना, तो डेड बॉडी से मिनरल्स बनना, मान लीजिए कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, सो दीज आर मिनरल्स। या ब्लड, मान लीजिए किसी एनिमल का हुआ तो ब्लड जब डिकम्पोज होगा तो हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेन है, वो डिकम्पोज हो गई तो आयरन बचेगा ना, या किसी की बोन होगी तो उसमें कैल्शियम, फॉस्फेट्स, पोटेशियम, तो ये सब नीचे सॉइल में तो आएंगे। एक तो मिनरल्स बनते हैं बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कि आप चट्टानों को तोड़ के मिनरल्स बनाए, इन्हीं मिनरल्स को प्लांट ने लिया अपनी बॉडी में, अब प्लांट से एनिमल में चले गए, प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ होने के बाद ये मिनरल्स वापस भी तो आएंगे, रॉक्स में नहीं जाएंगे मिनरल्स, लेकिन सॉइल में तो आएंगे, तभी तो दोबारा प्लांट के अंदर ये जाएंगे, तो उसे डीकम्पोजिशन को बोलते हैं। सर इसमें आपने सबसे ऊपर ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट क्या बताया था? सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, अपने आप मैनेज होने का, उसको कुछ मैनेज करने के लिए किसी की कोई जरूरत, फॉरेस्ट में आप मैनेज होना जरूरी है कि कौन से एनिमल कितना खाना खाएं और कितना ना खाना खाए, अपने आप मैनेज हो जाएगा, बाढ़ आ गई तो मैनेज हो जाएगा, सूखा पड़ गया तो मैनेज हो जाएगा, जो लॉस होगा नेचर जो कर गेन देगा होगा, अपना। नेचर अपने आप, तो कोई भी यस सर। इकोसिस्टम के साथ ये बाढ़ आती है, इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, सेल्फ गवर्निंग होते हैं, सारे सेल्फ नेचुरल पार्टिकुलेट, इकोसिस्टम सारे सस्टेनेबल सारे मैनर। नेचुरल, सारे नेचुरल इकोसिस्टम। यस सर सर। मैन मेड में ये बात नहीं आएगी ना? मैन मेड में आपको एक सर्टेन लिमिट तक तो गवर्न करना ही पड़ेगा, मैन में अब मान लीजिए एक पॉन्ड है, तो आपने जो पॉन्ड बनाया उसमें पानी आप भर सकते हो, जो नेचर ने पॉन्ड बनाया उसमें तो जो पानी होगा वो रेनफॉल वाले तो आए, बारिश हुई तो तालाब भर गए और गर्मी आई तो तालाब सूख गए, हालांकि ठीक है आजकल समर सर चल रहा हमने है, जो बनाया उसमें भी तो रेनफॉल से आ सकता है। आ सकता है उसे, बट अगर उसे सूखने तो नहीं दोगे ना, आपको पता है तो आप उसे सूखने तो नहीं दोगे ना, यस सर। जैसे फॉरेस्ट होते हैं तो फॉरेस्ट में क्या है कि बहुत सारी जगह पे डिचेस, गड्ढे होते हैं, कभी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पर विजिट करो तो, जैसे भरतपुर में ही है मान लीजिए, तो मैंने वो देखा, तो वहां पे क्या है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनके पानी भरा जाता है, और उनके चारों तरफ जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो आके बैठती है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, अगर पानी ही नहीं होगा तो वो क्यों बर्ड्स हैं, आई तो इसीलिए है, भरतपुर, राजस्थान, इंडिया, साइबेरिया से आई है ना, किलोमीटर माइल्स अवे से ट्रैवल करके वो इंडिया में आई है और वापस जाएंगी भी एक टाइम के बाद, तो अगर कोई बर्ड किसी पॉन्ड के किनारे बैठ रही है तो पॉन्ड में पानी भी तो होना चाहिए, अब इंडिया में गर्मी में तालाब सूख जाए तो कैसे बर्ड्स का काम चले, तो उन तालाब को हम भरते हैं,
उनके बाकायदा टेंडर्स निकलते हैं कि आपके जंगल के अंदर जो पानी भरने के जो तालाब है, भी जानवरों को भी तो पीने के लिए पानी चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। और ठीक है कि मर जाएंगे, नेचर गवर्न कर लेगी, नए भी आ जाएंगे, पुराने मर जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश तो ये होती है ना, बल्कि हमें बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम उनको ना मरने दें, तो फिर उनको पीने का पानी तो रखना। तो वैसे हमने बनाया है नेचुरल इसलिए ना कि हमें बचाना है इकोसिस्टम को। कोई भी रीजन हो, आपके अपने फायदे भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह पे बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, बड़ी मतलब तो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज मुंबई के किनारे, जैसे नवी मुंबई में एक सिटी है, वो पूरा एक ट्रांस सिटी बना है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी लेक भी बनाई गई है भाई अंबानी की, अब वो लेक बनाई गई है और लेक के किनारे छोटे छोटे बंगले बनाए गए, कहने को वो छोटे छोटे हैं बट वो कर रहे हैं, तो वो फीलिंग दी गई कि आप एक लेक के किनारे रह रहे हैं, तो आप एक आर्टिफिशियल जंगल ही क्रिएट कर दिया, एक पूरा फॉरेस्टेड जोन बनाया गया, मतलब मुंबई में फॉरेस्ट कहाँ से ढूंढते हैं। तो चीजें की जाती है, सबका अपना अपना पर्पज है कि वो क्यों कर रहे हैं, बट एनी हाउ उन्हें मैनेज तो करेंगे। सर जो नेचुरल पॉन्ड लेक्स होते हैं उनका जैसे पानी सूख गया तो वो अपने आप कैसे रिकवर करते हैं? जब रेनफॉल होगी तभी कॉल करें, बारिश का पानी भर जाएगा। नहीं सर, जैसे नहीं हुई तो नहीं हुई तो कुछ नहीं कर सकते, सर अफ्रीका में नहीं होती तो वहां पे मर तो जाते काफी सारे उसकी वजह से। वो तो नेचर को मैनेज करना है ना, उसमें आपका कोई रोल ही नहीं, इसीलिए तो सेल्फ सस्टेनेबल लिखा है। सर नीचे उसमें अगर हर नहीं रहे तो हम कुछ नहीं कर, छोड़ दो हमें, हालांकि हम मैनमेड में हम कर सकते हैं कि सूख गया तो खड़े हो करोगे, मैनमेड में आपने बना दिया, अब उसके बाद मैनेजमेंट भी होता है, ठेका होता है, टेंडर निकाला गया कि आपको बाकायदा इस चीज को मैनेज कैसे करना है, सर हम नेचुरल में क्यों नहीं भर सकते, भर तो नेचुरल में भी सकते, मतलब अलाउ नहीं है आपको, जबरदस्ती आप घुसोगे फिर उसके बाद आप अपना काम तो करोगे नहीं, वो तो पक्का नहीं करोगे, टेंडर गवर्नमेंट का होगा, कोई नहीं करता, सारे ठेकेदार नहीं करते, मरने दो एनिमल्स को, और अंदर जाके जंगल में नुकसान और करके आओगे, चीजों को लाके स्मगलिंग करना शुरू कर दो, जहाँ पे आपकी एंट्रेंस अलाउ नहीं है वहां जाके अगर आप इलीगल तरीके से कोई काम करने लगे तो उससे कौन निपटेगा। Yes, बहुत कुछ है सर। ये बेंथिक क्या है, प्लांट है क्या बेटा? सर ये बेंथिक बॉटम फीडर्स, बेंथिक तो एनिमल होते हैं, आपको मैंने कहा सॉइल न्यूट्रिएंट, आप ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में देखो जो बॉटम पे फीड करते हैं ना, यस सर, जैसे पॉन्ड का बॉटम होगा तो उसमें मोलस्क होंगे, क्रस्टेशियंस होंगे, यस सर, तो वो एनिमल्स हैं, अब वो तैर तो ना सकते, वो तो सेडिमेंट करके नीचे बैठे हुए पानी में, अब नीचे जो जो एनिमल्स आएंगे उन पे वो फीड करते हैं, ये कभी आपने स्नेल को खाते हुए देखा हो या गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो बेंथिक एनिमल्स कहलाते हैं, कंज्यूमर वो भी है, वो डेड मैटर पे फीड नहीं कर रहे, वो लाइफ पे फीड कर रहे हैं, डेड पे फीड करेंगे तो डेड में आ जाएंगे, लाइफ पे फीड करेंगे तो लाइफ में। अब हम इंडिविजुअल फंक्शंस पे चलते हैं, इतना सब जर्नल अकाउंट है, मैंने एनसीईआरटी से आगे पीछे करके अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया, आगे भी हेडिंग्स आगे पीछे हो सकते हैं पर आपको सब मिल जाएगा एनसीईआरटी में सब। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, क्या होता है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ आपको थ्री डेफिनेशंस पढ़नी है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसको हम बेसिकली यूज करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन किस चीज का करना है, इंटरेक्शन का, दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटरेक्शंस ऑफ ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स विद देयर पॉपुलेशन साइज, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, नंबर में करेंगे तो पॉपुलेशन साइज निकल आएगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक का लेवल क्या, ये
ये बेसिकली जो फूड लेवल होता है ना, ईच फूड लेवल इज कॉल्ड प्रॉफिट लेवल, जो खाने का लेवल है। खाने का लेवल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कोई प्रोड्यूसर है वो फूड का काम करता है फॉर एनी हर्बीवोर, कोई भी हर्बीवोर फूड का काम करता है फॉर एनी कार्निवोर। जैसे मान लीजिए यहाँ ग्रास है, तो ग्रास को फीड करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैटल्स यानी डियर या काउ बफेलो है, कार्निवोर में मान लीजिए यहाँ पे लाइन मान लीजिए। तो प्रोड्यूसर क्या है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉफिट लेवल, ये सेकंड प्रॉफिट लेवल है, ये थर्ड प्रॉफिट लेवल। ऐसे ही जितनी लंबी ये चेन बनाओगे प्रॉफिट लेवल नंबर में बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि ग्रास है, ग्रास को फीड किया ग्रास हॉपर ने, जो कि एक इंसेक्ट हो गया, इसको फीड किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को फीड किया स्नेक ने, और स्नेक को फीड किया ईगल। तो यहाँ पांच अलग अलग प्रॉफिट लेवल हो गए, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, 1 2 3 4 5। अब इसमें ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है कि ग्रास यानी प्रोड्यूसर ऑलवेज विल बी द फर्स्ट प्रॉफिट लेवल, फिर जो भी आएगा वो हर्बीवोर ही आएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर से जो एनर्जी जा सकती है वो केवल और केवल हर्बीवोर में जा सकती है, कोई कार्निवोर तो नहीं देगा। फ्रॉग, ईगल, स्नेक तो ग्रास पर डिपेंड नहीं कर सकते, लायन तो सीधे सीधे ग्रास को नहीं खा सकता ना। तो इसका मतलब पहला और दूसरा लेवल तो फिक्स है, पहला लेवल प्रोड्यूसर का और दूसरा हर्बीवोर का, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आगे लेवल होंगे वो सब कार्निवोर के, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्रॉफिट लेवल, हर्बीवोर ऑक्युपाइज द सेकंड प्रॉफिट लेवल, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट लेवल्स आर ऑक्युपाइड बाय कार्निवोर डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ, इसको बोलते हैं फूड चेन, अभी हम पढ़ेंगे। तो फूड चेन जितनी लंबी होगी उसके हिसाब से प्रॉफिट लेवल बढ़ते जाएंगे, लेकिन पहला और दूसरा प्रॉफिट लेवल केवल प्लांट और हर्बीवोरस एनिमल का आएगा रिस्पेक्टिवली। सर कार्निवोर के आगे स्कैवेंजर भी आ सकता है, जैसे कार्निवोर की डेथ हो गई। नहीं, वो फिर अलग फूड चेन होती है, स्कैवेंजिंग फूड चेन अलग होती है, ये कहलाती है प्रेडेटरी फूड चेन। प्रेडेशन आपने रिसेंटली पढ़ा था पिछली क्लास, एक दूसरे को मार के एनर्जी को यूज करते जाते हैं। दो टाइप की फूड चेन को एक साथ मिक्सअप नहीं करोगे ना, अलग। अब इवन अगर आपसे कभी कह दिया जाए, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रास ऑफर फ्रॉग स्नेक, केवल इतना लिखा हुआ है, और आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट लेवल ऑफ ग्रास ऑफर, बताओ। सेकंड, सेकंड होगा। फर्स्ट तो नहीं कर दोगे, फर्स्ट नहीं होगा सर, है ना। मतलब ये मत मान लेना कि फूड चेन में जो पहले नंबर पे है वो फर्स्ट प्रॉफिट लेवल है, फूड चेन तो काट के भी दे देंगे आपको, तब भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ग्रास ऑफर ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ग्रास ऑफर हर्बीवोरस एनिमल है, और इसलिए इसका सेकंड ही आए। ये नहीं कि फूड चेन यहाँ से शुरू है तो इसे फर्स्ट मान दो, इसे सेकंड कर दो, थर्ड। बोलो सर, ग्रास ऑफर से दिया हुआ है और उसके बाद अगर स्नेक का पूछ लिया तब क्या होगा, थर्ड ही होगा ना। हाँ, तो थर्ड ही आएगा, ग्रास ऑफर का सेकंड आएगा, स्नेक का थर्ड आएगा, क्योंकि ग्रास ऑफर स्नेक का फूड हो सकता है, स्नेक तो इंसेक्ट्स और छोटे छोटे एनिमल्स में, और जहां तक एनिमल्स के नाम की बात है वही एनिमल्स आएंगे, जब क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है कि आप कहें कि सर इस एनिमल के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, वही दिए जाएंगे जो 9th-10th के बच्चे भी जानते। बोलो सर, वो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर फ्रॉग भी है बीच में तो फोर्थ आएगा ट्रॉपिक लेवल, फिर फोर हो जाएगा, फिर तो वो सीरीज है। आपको याद ये रखना है, आप ये तो पहचान ही लोगे ना कि प्रोड्यूसर और हर्बीवोरस एनिमल कौन से होते हैं, उसके बाद तो जो लाइन दी है वो तो आएगी आएगी, इसमें तो आप उल्टा सीधा कर दोगे तो उल्टा सीधा लेवल हो जाएगा, यहाँ उल्टा सीधा कुछ नहीं होगा, यहाँ ये पहला और ये दूसरा, उसके बाद इसको तीसरा मानो, चौथा, पांचवा, अगर ग्रास ऑफर से सीधे स्नेक में जा रहा है तो ये चौथी की जगह तीसरा हो जाएगा, ये चौथा बन जाएगा, या कोई और भी साइड में फूड चेन बनी है तो सर, जो स्कैवेंजिंग फूड चेन है उसमें भी प्रोड्यूसर और हर्बीवोर फर्स्ट सेकंड पे ही रहेंगे ना सर? उसमें भी, हाँ उसमें भी वो हमेशा रहेंगे, अगर स्कैवेंजर भी है तब भी स्कैवेंजर में मान लीजिए कोई स्कैवेंजिंग एनिमल है
वो किसी एनिमल पे डिपेंड हो रहा है ना, तो एनिमल तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एनिमल अगर हर्बीवोरस है तो वो सेकंड नंबर पे ही रहेगा, अगर वो कार्निवोरस एनिमल होगा तो वो थर्ड नंबर पे रहेगा, तो इसके व्यंजक फोर्थ नंबर पे होंगे, ऐसे यस फर्स्ट और सेकंड हमेशा फिक्स है, बाकी के ट्रॉफिक लेवल जो आपके सामने फूड चेन दी होगी उसके हिसाब से आप करते हैं। इसके बाद आता है इसमें दूसरा कैटेगरी, और सर अगर कोई ओमनीवोर दे दिया तो ऑम्निवोर। बेटा नेचर में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हम नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारी कोई पोजीशन नहीं है इकोसिस्टम में, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी नेचुरल इकोसिस्टम। जितने भी सोशल इंसेक्ट्स हैं दोज आर नॉट पार्ट ऑफ, क्या आंट्स हो गई, टर्माइट्स हो गए, हनी बी हो गए, ह्यूमन हो गया, है ना, ये सब सोशल इंसेक्ट्स या सोशल एनिमल्स में आ रहे हैं और हम किसी भी इकोसिस्टम का पार्ट नहीं। ऑम्निवोरस जैसी कोई कैटेगरी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप ओके सर शेर के बाद बच्चे को भी छोटा सा कब ले आए और उसे पालने के लिए अगर आप दूध दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेजिटेरियन हो जाएगा, कि उसका स्टेटस सर हमने तो इसे हमेशा से रोटी और दूध दिया। अब डॉग कार्निवोरस होता है, अब अपने घर में उसको दूध रोटी देंगे जिंदा रहने के लिए तो वो खाएगा ही खाएगा, बट दैट इज नॉट हिज नेचर। अल्टीमेटली वो एक कार्निवोर है, उसे जैसे ही बोन मिलेगी वो दूर से सूंघ के वो दूध रोटी को छोड़ के बोन्स पे फीड करने लगेगा या मीट के टुकड़े पे चला जाएगा। एक नेचर भी तो होता है, बाय इवोल्यूशन भी तो है, और ओमनीवोरस हम अपने लिए यूज करते हैं तो इसीलिए कि ठीक है कि हम यूज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी आर हर्बीवोरस या कार्निवोरस बताओ। सर अगर ओमनीवोरस नहीं है तो होमो सेपियंस नेचर में कैसा होता, हर्बीवोरस या कार्निवोरस? कार्निवोरस कार्निवोरस ही होना चाहिए सर। हम कार्निवोरस हैं, नहीं सर हर्बीवोर से होंगे सोच के देखो। अगर चलो आपके मिसाल कहा सर जाए सर तो टीथ के पहले हिसाब एनिमल को भी से तो किल करते थे, किल सर टीथ के हिसाब से अगर बताएंगे तो अभी इवोल्यूशन हो गया तो फिर तो वही करना बचेगा। इज ए डिफरेंट थिंग। किल करने के लिए तो बहुत से एनिमल डिफेंस में भी किल कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट इज कि क्या किल किए हुए एनिमल को आप एज सच कंज्यूम कर सकते हो, क्या आपके नो दांत सर ऐसे हैं, क्या आपके नाखून ऐसे नो हैं कि आप एक एनिमल बॉडी को फाड़ के उसको बाइट करके चबा के उसे डाइजेस्ट कर पाओ? जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि वो पूरा का पूरा गोट या पूरा का पूरा एनको एज सच अपने नेल्स और टीथ को यूज करके बाइट करके खा सके? चॉपिंग नहीं करनी है, चॉपिंग सर करना जब इज इट तक इंटेलिजेंस। फायर नहीं थी तब तक हमारे पास तब तक तो फिर हम वैसे ही करते थे ना। कब नहीं, तब भी हम काटते थे, आप शिकार करके भी एनिमल को भूनते थे, या जो भी है आपने पकाया उसको सॉफ्ट किया, तब वो आपके दांत उसको आराम से बाइट करके यूज कर सकते हैं। आप रॉ फॉर्म में खाइए ना, जैसे लायन खाता है, लायन तो भून के खाता है, सर मैं नहीं तब की करता। बात कर रहा हूँ जब तो हमारे सर पास ह्यूमन आग किस नहीं में थी। आएंगे? एक एक करके बोलो। सर मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास आग नहीं थी। आग नहीं थी तब भी कैसे खाते थे? आपने अगर प्री हिस्टोरिक ह्यूमन पढ़े हैं तो भी उसमें जब तक आग की डिस्कवरी नहीं हुई, जब तक फायर को या टूल्स को डिस्कवर नहीं किया, तब तक भी एनिमल को मार के उनको तोड़ने की इंटेलिजेंस हमारे पास थी। जब तक आप साइज छोटा नहीं करोगे ना, आप बाइट नहीं कर सकते। हमारे पास कैनाइन एक होता है, कैसे जो है वो आप फाड़ लोगे? नेल्स आपके होते नहीं इतने स्ट्रॉन्ग, क्लॉ या जॉ आपके वैसे है नहीं कि आप एनिमल को टियर एंड रियर करके फिर उसे कंज्यूम कर पाए। अब तो डॉग्स सर पे इस कैनाइन हिसाब से क्यों? मंकी किस में आएंगे? मंकी तो फ्रुगीवोरस होते हैं, वो तो फ्रूट्स पे फीड करते हैं, वो तो कभी नहीं खाते नॉनवेज। हर्बीवोरस एनिमल है, और हर्बीवोरस में भी मंकी लीफ नहीं खा सकता, मंकी फ्रूट्स ही खाएगा, वो फ्रुगीवोरस एनिमल है, फ्रूट ईटिंग एनिमल है, सबकी टेंडेंसी फिक्स है। मैंने सिंपल लॉजिक दिया, आप मीट को डायरेक्ट कंज्यूम करने के बारे में सोचो कि आपके क्या जॉस, क्या आपके टीथ और क्या आपके नेल्स ऐसे हैं कि आप एक एनिमल को डायरेक्ट कंज्यूम कर, हमारे पास नहीं है। हमारे पास कैनाइन तो एक होता है, 2-1-2-3 में केवल वन कैनाइन है। कैनाइन्स वो होते हैं जो अंदर जाके मीट को फाड़ने में हेल्प करते हैं। डॉग्स के कैनाइन देखो कितने बड़े हैं, क्रोकोडाइल के कैनाइन्स देखो कितने बड़े हैं, वो ये काम कर सकते हैं। हम हमें जब तक छोटा छोटा करके तो फोन सर या में हाँ, ह्यूमन हर्बीवोर में आएंगे? बाय इवोल्यूशन वी आर हर्बीवोरस।
बट बाई इंटेलिजेंस वी आर ऑमनिवोरस एनिमल, और ऑमनिवोरस की नेचर में कोई कैटेगरी नहीं है। मैंने भी कंज्यूमर आपको पढ़ा है ना, कंज्यूमर दो ही तो लिखे, हर्बीवोर और कार्निवोर, ऑमनिवोर तो कोई लेवल ही नहीं है। हम इसीलिए तो हम इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। जब से ह्यूमन में इंटेलिजेंस आ गई तब से हमने इकोसिस्टम को छोड़ दिया, फिर लीजिए आप काट के पका लीजिए फिर उसके बाद कंज्यूम कर लीजिए, वो डिफरेंट थिंग्स। स्टैंडिंग स्टेट क्या कहलाते हैं बोलो सर? हाँ फिर तो हम वेजिटेबल भी डायरेक्ट थोड़ी कंज्यूम करते हैं। आप कर सकते हो, आप खा लीजिए, पालक को सीधे चबा लीजिए, अगर मूली को सीधे खा लीजिए, गाजर को खा लीजिए, आलू को खा लीजिए, खा सकते हैं, दे आर सो सॉफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बताइए कोई ऐसी वेजिटेबल जिसके लिए पकाना या काटना जरूरी हो। आप सब्जी मंडी जाइए ना, हम गाजर को धो के खाते हैं, हमारे सब्जियां बेच रहे हैं वो तो जब मन करता है खीरे को उठाया और ऐसे खा लिया, गाजर खा लिया, मूली खा ली, आलू खा लेते, भिंडी, लौकी, जो आपको लगे, आप जो इमेजिन करना चाहे वो सोच के देख लीजिए। अगर आप पत्तियों को भी चबाना चाहोगे तो चबा सकते हो। च्यू करने के लिए हमें जो प्री मोलर और मोलर दिए गए दे आर क्वाइट इनफ, बट बाइट करने के लिए जो कैनाइन हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है, एक ही है, मतलब इसी एक कैनाइन से काम नहीं चलता। सर टोटल तो चार है, टोटल चार है, लेकिन टोटल आप जब किसी भी चीज को बाइट करके देखो ना, चारों एक तरफ आते हैं क्या, चारों अलग अलग डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट में चबाओगे या राइट में चबाओगे, एक ऊपर और एक नीचे, बस एट ए टाइम दो ही यूज हो सकते खाने को, या तो लेफ्ट साइड से चबाओगे या राइट से चबाओगे, दोनों तरफ चबा के तो आप कर ही नहीं सकते, आपकी जॉ की मसल्स ही नहीं है। आप कोशिश करके देखिए, आज अभी डिनर करने हैं टाइम पे, दोनों तरफ रोटी के टुकड़े को रखिएगा और चबाने की कोशिश करिए। कोशिश करना और पूरा खाना खाना दो अलग अलग बातें हैं, ये बात सही है, सब मैंने करके देख लिया, आपको पूरा खाना खाना और बाय डिफॉल्ट खाना है, बाय डिफॉल्ट मतलब आपको पूरे हफ्ते ऐसे ही खाना है, याद रहे कि आपको दोनों तरफ चबा के एक साथ खाना नहीं खा सकते, नहीं नहीं ऐसे तो खा नहीं सकते। एक नेचर भी तो चीज़ होती है ना, इंटेलिजेंस डिफरेंट ठीक है बट नेचर डिफरेंट। स्टैंडिंग स्टेट क्या कहलाता है इसे कंप्लीट करते हैं। स्टेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, जैसे आप फिजिकल स्टेट बोलते हैं, केमिकल स्टेट बोलते हैं, जितना भी नॉन लिविंग मैटर है इकोसिस्टम में, अमाउंट ऑफ टोटल नॉन लिविंग कंटेंट पर यूनिट एरिया इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में यूनिट एरिया में आपको लेना है टोटल नॉन लिविंग मैटर। टोटल नॉन लिविंग मैटर का मतलब ये है कि लाइक हमने अगर फॉरेस्ट इको सिस्टम लिया तो उसमें पूरे साल भर में, और हमने फॉरेस्ट का एक एरिया ले लिया 1 square kilometer, और हमने टाइम ले लिया पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम हमेशा चलता रहेगा पूरे साल, तो पूरे एक साल में इतने एरिया में कितनी लाइट आई, कितनी बारिश हुई, कितनी ह्यूमिडिटी रही, कितने न्यूट्रिएंट्स बने, क्या डिकम्पोजिशन का रेट है, इन सब का जो भी डिटेल होगा, जैसे हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो सारे वेदर और क्लाइमेट के डेटास को कलेक्ट करता है, तो बेसिकली वो जो डेटा होता है कि यहाँ पे इतनी बारिश पूरे साल भर हुई है, इतना टेम्परेचर रहा पूरे साल भर, और इतना यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जनरेट हुआ पूरे साल भर, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट ऑफ दैट एरिया। ये हर इकोसिस्टम का अलग अलग आएगा और सीजन के हिसाब से भी अलग अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप प्लांट या एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी ग्रोथ को ज्यादा करते हैं, तो सीजन के हिसाब से स्टैंडिंग स्टेट अलग आता है, एरिया के हिसाब से भी स्टैंडिंग स्टेट अलग अलग। अनदर एंड लास्ट वर्ड इज स्टैंडिंग क्रॉप या बायोमास। तो ये लिविंग मैटर हो जाए, टोटल लिविंग मैटर कितना हुआ, टोटल प्लांट एनिमल और बैक्टीरिया और फंगी का वेट कितना है, दिस इज अमाउंट ऑफ टोटल लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया इन एन इकोसिस्टम। अब चाहे आप जैसे आपने पढ़ा सर, जो स्टैंडिंग स्टेट में रेनफॉल मेजर कर रहे हैं वो पर ईयर करेंगे या सीजन के हिसाब से? पर ईयर ही होती है, एनुअल रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन था ना आपने जो ग्राफ बनाया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। सर आप जैसे कह रहे हैं सीजनल भी वेरी करता है, जो एनुअल आता है वो 12 से डिवाइड करके देंगे, जब आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जाते हैं ना तो पूरा चार्ट देते हैं, जनवरी में कितनी बारिश हुई, फरवरी में कितनी है, नवंबर में कितनी है, दिसंबर में,
फिर उसका एवरेज निकाल के दे दिया जाता है, एवरेज रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, ऐसे ही मीन एनुअल टेम्परेचर आता है, 12 महीने का टेम्परेचर और 12 से डिवाइड करके मीन निकल आया, पूरे साल भर का एनुअल टेम्परेचर निकल आया, तब वो ग्राफ प्लॉट किए गए, तो एक उनके हो पास गया सारा डेटा। रेनफॉल कलेक्ट करने का तरीका तो यही होता है ना, वो तो डेली कलेक्ट करते हैं, डेली कलेक्ट करेंगे फिर वो महीने का हो जाएगा, फिर वो साल का भी हो जाएगा। जैसे आप असम में होता ही है कि आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जाइए तो यही तो कहते हैं मीन एनुअल रेनफॉल और मीन एनुअल टेम्परेचर, जैसे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में ग्राफ में दिया हुआ, तो वो एनुअल आएगा तो तभी ना, जब आप पहले डे हर डे कलेक्ट होता है रेनफॉल को मेजर मेजर करने की पर ट्राई यूनिट करते हैं। एरिया मेजर करना, चाहे हम ईयरली करें या मंथली करें। हाँ वो टाइम स्लॉट तो आपका है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको फॉरेस्ट पे काम करना है तो फॉरेस्ट के लिए तो पूरे साल भर का आपको डेटा चाहिए, अगर मान लीजिए किसी को विंटर सीजन की किसी क्रॉप के हैंडल करना है तो उसे केवल 4 महीने का डेटा चाहिए, बाकी महीने का क्या करें। मान लीजिए किसी को विंटर क्रॉप पे कोई काम करना है या रिसर्च करनी है तो उसे विंटर में कितना, विंटर के जो 4 महीने 3 महीने हैं इसमें कितना टेम्परेचर और रेनफॉल है ये डेटा मुझे दे दो, उसके हिसाब से मैं आइडिया लगा लूंगा कि प्लांट को इतना पानी चाहिए होता है, अगर वो नेचर से आ गया तो इट्स सो गुड, नहीं तो मुझे इरिगेशन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, खेती भी प्लान करके जो करते हैं उनके लिए वो डेटा जरूरी होता है। ओके इसको आप सर, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, स्टैंडिंग क्रॉप या बायोमास, जो मेजरमेंट होगा वो नंबर और मास दोनों में कर सकते हैं। और जब मास आप लोगे तो आपको कभी एक क्वेश्चन कराया था इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, वाटर नहीं काउंट करना है, पूरी इकोलॉजी में आपको DW ड्राई वेट के हिसाब से मिलेंगी चीजें, क्योंकि वाटर का स्टेटस प्लांट टू प्लांट, टाइम टू टाइम, मॉर्निंग टू इवनिंग वेरिएबल हो, इसलिए वाटर का स्टेटस इसमें नहीं है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है, आप नीट के आर्काइव देखोगे तो 2016-17 की डेफिनेशन, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग बायोमास काफी पूछा, एक एक लाइन की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज फूड चेन एंड फूड वेब, सर थोड़ा सा इसको लेफ्ट में कर दीजिए, दिख नहीं रहा। अभी दो फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन क्या होता है, पहले फूड चेन की बात करते हैं यहाँ से। फूड चेन कहलाता है सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, एक दूसरे को खाते चले जाना, जैसे अभी आपने बताया सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन। अगर आप टेक्निकली डिफाइन करना चाहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो ये कहलाएगा ट्रांसफर ऑफ फूड, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो फूड का ट्रांसफर, फूड यानी मास में लेके आओगे ना, कितने केजी या कितने ग्राम जैसा भी, तो फूड को मास में आपको लेना है तो वो फूड चेन बन जाए, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हमने बनाया था कि लाइक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का जो भी मटेरियल है वो एज ए फूड जाता है हर्बीवोर में, और हर्बीवोर से जो फूड जाएगा वो कार्निवोर, इवन कार्निवोर अलग अलग हो सकते हैं ना, कार्निवोर किसी भी फूड चेन में 2, 3, 1 कुछ भी हो सकते हैं, हर्बीवोर एक ही होगा फूड चेन में, प्रोड्यूसर एक ही होगा। अभी आपने लिखा था कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक। अगर बहुत सारी फूड को हम आपस में उलझा दें, फूड चेन को इंटरलॉक कर दें, तो बन जाता है फूड वेब। फूड वेब क्या कहलाएगा, दिस इज इंटरलॉकिंग of different food chains,
इन एन इकोसिस्टम। अगर इंटरलॉकिंग कर दोगे तो फूड वेब बन जाएगी, उलझा दो आपस में। क्यों उलझाते हैं? क्योंकि जितनी फूड चेन लंबी होगी ना, अभी हम आगे इसके बाद पढ़ना है हमें पिरामिड और एनर्जी फ्लो। तो जब एनर्जी फ्लो आप पढ़ोगे अगली क्लास में, तो आप पढ़ोगे कि एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी और जूल, फिर हर्बीवोर में कम हो जाएगी, कार्निवोर में कम हो जाएगी, और आगे कार्निवोर आए तो और कम होती जाएगी। पता चला कि जो पांचवें नंबर पे कार्निवोर आ रहा है, जैसे ईगल अभी था, तो उसको एनर्जी तो सबसे कम मिली। अब वो ज्यादा एनर्जी लेने के लिए क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, वो किसी और फूड चेन में बीच में एंटर कर जाएगा। ईगल मना तो ना कर देगा फ्रॉग को खाने से कि नहीं, जबरदस्ती वो स्नेक को ही खाएगा, है ना? ये जैसे ये वाली ने बनाई थी फूड चेन, तो यहाँ पे ईगल स्नेक को ही खाएगा, ये तो मैंने लिख दिया। ईगल सीधे सीधे फ्रॉग को खा सकता है, ग्रास ऑपर को नहीं खाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि कार्निवोर से तो कार्निवोर है, और उसमें भी उसकी बॉडी मास के हिसाब से ग्रास ऑपर से काम नहीं चलेगा, फ्रॉग से चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि पांचवें नंबर पे एनर्जी कम मिल रही है, तो डेफिनेटली चौथे नंबर पर उससे ज्यादा ही मिलेगी ना, तो वो यहाँ से डायरेक्टली इसको खा लेगा। तो ऐसे केस में जब आप इंटरलॉकिंग करोगे, तो एक आपके पास फूड चेन की जगह फूड वेब बन जाए, जाल बन गए। जैसे मान लीजिए ये ग्रास था, सिंपल चीजें हैं, इनमें ऐसा कुछ है नहीं। ग्रास रैबिट में भी जा सकती है, रैबिट को मान लीजिए फॉक्स ने खाया, फॉक्स को मान लीजिए लायन ने खाया, पता चला ग्रास को डियर ने खाया और डियर को सीधे लायन ने कंज्यूम कर लिया है। या फिर ये हो सकता है कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने यूज किया, अभी जो बनाया था इस ग्रास हॉपर को जो है वो फ्रॉग ने यूज किया, फ्रॉग को स्नेक ने यूज किया, और स्नेक से ये ईगल में गए। इवन फ्रॉग डायरेक्टली ईगल का फूड हो सकता है नेचर में। ग्रास को किसी कैटल ने खाया और किसी कैटल को जो है वो लाइन ने कंज्यूम कर लिया, ये किसी भी कार्निवोर ने कंज्यूम कर। सो डिफरेंट पॉइंट से रिलेट कर सकते हो आप चीजें। अब ये पूरा फूड वेब है जिसमें बहुत सारी चेन आपस में उलझी हुई। सो दिस इज इंटरलॉकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन। इसमें फॉक्स डियर को भी खा सकता है, फॉक्स डियर को भी खा सकता है, वुल्फ ले सकते हो, वो फॉक्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर वुल्फ लाइन में जा सकते हैं ऐसे। वो तो टेंडेंसी है, फूड चेन जितनी लंबी करोगे एनर्जी कम होगी, इसीलिए ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है। किसी भी कंज्यूमर में जो कार्निवोर है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो फूड चेन छोटी से छोटी ले। इसीलिए आप नेचर में देखोगे तो डियर को चेस करते हुए, या जीब्रा या जिराफ या हॉर्स, इनको चेस करते हुए आपको टाइगर और लायन दिखाई जाते हैं। लायन या टाइगर किसी कार्निवोर को चेस करते हुए नहीं दिखाए जाते। आप डिस्कवरी नेट व्यू देखो तो आप ये समझ में आ जाए, क्योंकि नेचर में यही है। नेचर में लायन को एनर्जी तब ज्यादा मिलेगी जब किसी हर्बीवोर पे वो फीड करेगा, रादर देन जब वो किसी कार्निवोर पे फीड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कार्निवोर को चेज नहीं कर सकता, बट उसे एनर्जी कम मिलेगी। सर 10% फ्लो के कारण, हाँ वो अगले क्लास में आएगा बेटा। एनर्जी फ्लो पढ़ोगे ना तब आएगा कि 10% रूल क्या। अभी तो हम फूड चेन के टाइप सर, लायन टाइगर को चेज कर खा ले तो फिर क्या दिक्कत है उसे, एनर्जी तो वही मिलेगी। आपकी मर्जी तो ना चलेगी कि लायन टाइगर को चेज करना शुरू कर दे। कभी देखा है लायन टाइगर को चेज कर, कभी जीब्रा और जिराफ को लड़ते देखा है? एक लेवल पे नहीं लड़ते ना, नेचर है ना, आदमी थोड़ा है कि बिना किसी बात के लड़ना शुरू करते। सर कर तो सकता है ना वो ऐसा, अगर एनर्जी की जरूरत है बहुत ज्यादा। बात ही वही है कि नेचर में होता ही नहीं है चीज, तो हो सकने की टेंडेंसी आएगी कहाँ से? आप कह रहे हैं कर सकता है, मैं कहूंगा अच्छा दिखाओ कहाँ कर रहा है, लाओ नेचर में एग्जाम्पल ढूंढते, आपको मिलेगा कि है ही नहीं ना नेचर में। होता तो साइंटिस्ट का दिमाग आम से पहले चलता, वो पहले से बुक में लिख देते कि ऐसा भी हो सकता है। सर होती है कि मरता जाना मिलेगी ना,
आप जू में बैठ के किसी जंगल, उसमें जंगल के राजा को आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया और आप कहा कि नहीं अब तो मैं मीट का टुकड़ा दे रहा हूँ वही खाना है, तो आप जिंदा रहने के लिए तो वो खाएगा, वरना वो तो मतलब स्टेल फूड खाते ही नहीं है भाई, वो जंगल का राजा है, उसे सुबह का खाना अलग चाहिए शाम का अलग चाहिए, सुबह भी चेज किल एंड कंज्यूम, शाम को भी चेज एंड किल एंड कंज्यूम, वो स्टोलन फूड या स्टेल फूड पे फीड ही नहीं करता वो। अब जब आपने उसे अकेला जंगल से निकाल के वहां बंद कर दिया तब तो जो दोगे वो खाएगा, सर अगर लायन और टाइगर को एक साथ बंद कर दिया तो? कुछ नहीं होगा, आप करके देख लीजिए, दोनों लड़ेंगे बिकॉज दोनों सेम लेवल पे हैं, चिड़चिड़ापन वाली बात है कि इस ब्रदर सिस्टर भी तो डरते ही है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, तो उन्हें भी पता है कि क्योंकि वो सेम लेवल के हैं, वो किसी कोई किसी को दबा नहीं सकता उस केस में ना, लायन और टाइगर दोनों सेम लेवल है ना, और अच्छा अगर मान मतलब लीजिए आप जो जीत एक गया वो लड़की, दूसरे को खा लेगा? हाँ अगर अच्छा दोनों को जो बंद जीत कर दिया और गया दोनों को खाना नहीं दिया आपने तो फॉर द सर्वाइवल, फिर तो वो आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, क्योंकि फिर दोनों ही कमजोर होते जा रहे हैं, दोनों की बॉडी को सेम एनर्जी लेवल है दोनों का, तो फिर तो दोनों एक लास्ट मोमेंट पे लड़ेंगे और फिर उसके हिसाब से जो मर जाएगा वो दूसरे का फूड बन जाएगा, वो टेंडेंसी नेचर में तो कभी नहीं आ रही ना, वो तो आप एक क्रिएट कर रहे हो जंगल को, आपने एक पिंजड़े में कैद कर दिया और उसके बाद आपने कहा कि अब क्या होगा, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो नेचर में तो हो ही नहीं सकता ना, इकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, लैब में बैठ के नहीं होते। सर अगर हमें कंडीशन कर भी दें तो फिर लॉयन को एनर्जी तो डियर को खाने से कम मिलेगी ना, मतलब उसके कंपैरिजन में? लायन अगर डियर को खाएगा या लायन अगर टाइगर को खाएगा ये बता रहे हो? यस सर, अगर टाइगर को खाएगा तो उसे एनर्जी कम मिलेगी ना डियर के कंपैरिजन में तो? हाँ तब तो वो डियर को ही खाएगा, लेकिन यस डियर को खाने के लिए लायन और टाइगर तो आपस में कॉम्पीट करेंगे ना, अगर एक डियर है और एक लायन और एक टाइगर, तो लायन और टाइगर, डियर तो किनारे खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा पहले तुम दोनों तो डिसाइड कर लो, एक तो मरे दूसरे की तो बात की बात, तो पहले वो दोनों कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि दोनों शेयर नहीं करेंगे, वो उनकी नेचर है कि वो शेयर नहीं कर सकते, एक एनिमल पे फीड करते हुए आपको दो शेर मिल जाए वो हो सकता है, दो टाइगर मिल जाए वो हो सकता है, एक टाइगर और एक लायन मिल जाए वो हो ही नहीं सकता, एंड अगेन हम बात नेचर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने एग्जांपल्स नहीं सेट कर, फूड चेन अलग सर अलग कुछ टाइप कुछ की तो, होती सर कुछ कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी होते हैं ना सर, दूसरे का सर मारा हुआ फूड छीन के खा लेते हैं। वो अलग है, दूसरे का मारा हुआ खाएंगे तो स्कैवेंजर कहलाते हैं ना, फिर वो प्रेडेटर थो ना कहते, जैसे ये पहली फूड चेन मैं होती है शेयर वो डेड दूसरी। बॉडी नहीं खाता, हाँ मैं शेयर डेड बॉडी नहीं खाता, ऐसे होता है ना ब्लड निकल रहा हो आपके तो शेयर छोड़ देता है, हाँ तो वो उसका वही है ना, उसका भाई उसका नेचर है एवोल्यूशन में, चेज किल उसको करके ही चेज खाएगा। किल वाली ही हैबिट है उसकी, वो जो है वो किसी मरे हुए एनिमल पे फीड नहीं करता, सर्वाइवल होगा तो करेगा बट नेचर में नहीं करेगा, नेचर में ढूंढ लेगा, बहुतेरे हर्बीवोरस एनिमल है जिनमें तो किसी को भी चेज एंड किल एंड कंज्यूम, वो तो चीजें रहती सर वैसे मैं हाइनास की बात कर रहा था, वो छीन लेते हैं ना सर चीता वगैरह से। तब भी नहीं आएगा, ये चीजें नेचर में पॉसिबल नहीं है, पहली फूड चेन जो है वो यस सर, ग्रेजिंग या प्रिडेटरी है, जो प्रिडेशन पे बेस्ड है, सिंपल है, एक तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, बोलो बेटा दिस इज बेस्ड ऑन प्रिडेशन, प्रिडेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, चेस किल एंड कंज्यूम, इस तरीके है ना, ये सबसे कॉमन फूड चेन कहलाती है, मोस्ट कॉमन, जैसे मान लीजिए आपने लिखा फाइटोप्लैंक्टन, हम प्लांट्स की बात, उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात, तो फाइटोप्लैंक्टन को फीड करने के लिए जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को फीड करने के लिए वाटर में जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो एक्वेटिक वाटर इंसेक्ट्स, और इन इंसेक्ट्स को फीड करने के लिए स्मॉल फिशेस, तो ये पॉन्ड या लेक में ग्रेजिंग फूड चेन या प्रिडेटरी फूड चेन होगी, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपको लेना है, ऊपर से कोई भी ले लीजिए आप एग्जाम्पल ना, यही सबसे कॉमन है, ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लायन, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, या ग्रास से आप कैटल ले लीजिए, कैटल से सीधे लाइन, डियर से सीधे लाइन ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, और यहाँ बहुत सारी फूड चेन पड़नी है, और सब आप गैस करके खाते हो, मतलब क्योंकि इनका कोई सिलेबस नहीं है,
फूड चेन नेचर में हजारों मिल जाएंगी आपको, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हमारे पास, कौन किसको खाता है, बस उसमें आपको कौन किसको खाता है वही आपके लेवल पे दिया जाएगा, जो यूजुअली 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट समझ सकते हैं कि अच्छा ये एनिमल इसको फीड करेगा, ये इसको फीड करेगा। तो जो प्रिडेशन पे बेस्ड है वो प्रिडेटरी फूड चेन हो गया। उसके बाद क्लास है आपकी? नो सर। ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। पूछिए, 5 मिनट दीजिए, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है? पैरासिटिक फूड चेन, जो पैरासिटिज्म पे बेस्ड होगा। पैरासिटिक फूड चेन बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म। आपने प्रिडेशन और पैरासिटिज्म दोनों पढ़े थे पिछले चैप्टर में। पैरासिटिज्म में एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे ग्रास, ग्रास को फीड किया किसी कैटल ने, काउ बफेलो, और कैटल की बॉडी पे कोई बैक्टीरिया है लाइक न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया, तो ये पैरासिटिक हो गई। ऐसे कोई ट्री है, ट्री पे फीड करने वाली बर्ड्स हैं, ट्री पे जो फ्रूट्स होंगे उन पे फीड करने वाली बर्ड्स होंगी, और बर्ड्स की बॉडी पे टिक्स एंड माइट्स जो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं वो हैं, किसी भी बर्ड के जो पंख हैं उनके बीच में जो पैरासाइट्स हैं वो आ गए। अगर कोई ना कोई पैरासाइट इन्वॉल्व कर दो फूड चेन में तो पैरासिटिक हो जाएगी। और अगर डेड मैटर से स्टार्ट होती है तो डेट्राइटस फूड चेन के। प्रोसीड्स फ्रॉम या स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे लिटर, लिटर कहलाता है डेड मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर। इस लिटर पे फीड किया, मान लीजिए अर्थवॉर्म ने, अर्थवॉर्म ने सूखी हुई पत्तियों और ब्रांचेस को खाया, फिर अर्थवर्म की डेथ हो गई तो इस पे फंगी ग्रो कर गई, फिर फंगी की डेथ हुई तो इस पे बैक्टीरिया ग्रो कर गए, और आपने पढ़ा है कि बैक्टीरिया तो इमॉर्टल होते हैं, वो कभी नहीं मरते। या आपके बुक में एक दिया होगा मैनग्रोव इकोसिस्टम। मैनग्रोव्स में क्या होता है, जो लेटर होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर उस पे फीड करती है कुछ एल्गी। एल्गी हमेशा फोटोसिंथेटिक नहीं होती, देयर आर फ्यू एल्गी जो डेड मैटर पे भी फीड करती हैं। फिर इन एल्गी पर डिपेंड करते हैं क्रैप्स, फिर इन क्रैप्स पे फीड करने के लिए स्मॉल फिशेस हैं, और फिर इनके ऊपर जो फीड करने के लिए हैं वो लार्ज फिश हैं, बिग कार्निवोरस फिश भी होती है। ये है मैनग्रोव इकोसिस्टम। मैनग्रोव इकोसिस्टम में वो एल्गी होती है जो डेड मैटर पे, सेप्टोट्रॉफिक एल्गी, यूजुअली ऑटोट्रॉफिक होती है बट यहाँ डेड मैटर से एंट्री है। और अर्थवॉर्म आपको ग्रासलैंड में नजर आ जाए एग्जाम्पल्स। अगर डेड मैटर आ गया तो डेट्राइटस है ना, पैरासाइट इन्वॉल्व हो गया तो पैरासिटस, नहीं तो फिर मोस्ट कॉमन टाइप का प्रेडेशन तो भाई। सिग्निफिकेंस क्या है फूड चेन का? लास्ट लाइन, किसी भी फूड चेन का सिग्निफिकेंस ये है। वैसे तो आप उसे ट्रांसफर ऑफ फूड पढ़ रहे हो बट फूड में ही तो एनर्जी है, जो आप खाना खा रहे हो उसी से तो आपको एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होने के लिए फूड चेन का होना जरूरी है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी फ्लो, आगे आपको ये दोनों चीजें पढ़नी ही है, एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मैनग्रोव सर ये मैनग्रोव इकोसिस्टम क्या बताया था आपने? जो वेस्ट बंगाल में है ना, मैनग्रोव समझते हैं दलदल वाले जो एरिया होते हैं, मैनग्रोव कौन में से एरिया एक्चुअली मैनग्रोव
वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्टल एरिया आता है, वो वहाँ पे मैनग्रोव्स है। तो आपने फूड चेन से रिलेटेड कैसे है सर, अभी आपने वाली फूड चेन बनाई थी? मैनग्रोव इकोसिस्टम है बेटा, इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, वहां पे ये वाली फूड मैनग्रोव। चेन चलती होगी? हाँ वहां पे ये फूड चेन होती है, ये अच्छा फूड चेन आपको फॉरेस्ट में नहीं मिलेगी। अगर आप ये देखें ये कहाँ की फूड चेन है, ये भी तो है, ये तो हो गया कि फूड चेन का टाइप भी क्या इन्वॉल्व है। अगर ये कहा जाए कि नेचर में ये फूड चेन देखने को कहाँ मिलेगी, तो ये मैनग्रोव की फूड चेन है, ये अर्थ फॉर्म आपको पता ही है कि ग्रास लैंड में मिल जाएगा आपको, या फॉरेस्ट में मिल सकते हैं। तो फॉरेस्ट या ग्रास लैंड इकोसिस्टम मान लो, ये ट्री से स्टार्ट हो रही है तो ये ट्री इकोसिस्टम हो गया, ये ग्रास और कैटल और नीमो का आकाश है तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम इसे भी मान सकते हो। पीछे जो आपने लिखी है वो फॉरेस्ट में मान लो, या ग्रास लैंड में मान लो, या पॉन्ड या लेक में मान लो, एरिया के हिसाब से इकोसिस्टम अलग है। सर एंडोपैरासाइट के इकोसिस्टम बना सकते हैं? सर वो ओ एन से क्या लिखा हुआ है आपने? ऑर्गेनिक मैटर। ओके सर, लिटर डेड ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। सर बैक्टीरिया इमॉर्टल कैसे है? बेटा ये तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलीमर्फिक। ओके सर, अब आप कहेंगे बैक्टीरिया के डेथ होने के बाद क्या होगा, तो बैक्टीरिया कभी नहीं मरेगा। ओके सर, सर अगर बैक्टीरियोफेज जो है वायरस, अगर वो इसके ऊपर आ जाता है तो फिर उस वो किस तरह से बैक्टीरियोफेज सारे बैक्टीरिया पता ना फीड करते हैं, बैक्टीरियोफेज भी तो रेस्ट्रिक्टेड बैक्टीरिया पे ही है। सर अगर हम वही वाला बैक्टीरिया यहाँ पर ले रहे हैं तो फिर वो बैक्टीरिया यहाँ क्यों होगा? बैक्टीरिया जो न्यूमोकोकस से फीड होना करता है, बैक्टीरिया से ई कोलाई पे करता है, साल्मोनेला पे करता है, आप न्यूमोकोकस से क्यों लेते हैं? सर वो नीचे जो बैक्टीरिया लिखा हुआ है वो उस पे पूछ रहा था। ठीक है सर, समझ आ गया। बैक्टीरिया के ऊपर अगर आपने बैक्टीरिया फीड के लिए तो पैरासिटिक में आ जाए, आप दो फूड चेन को मिक्सअप होना करोगे, फिर उसको तोड़ दो, फिर बैक्टीरिया क्योंकि इमॉर्टल है, फिर बैक्टीरिया से बैक्टीरियो फेज है, फिर पैरासिटिक में लिख दो। सर फूड वेब तो हो सकता है ना ये, फिर आगे मतलब बढ़ के। हाँ सर अगर बैक्टीरियो फेज आ भी जाता है तो फिर ये वो फूड वेब बन जाएगा ना? नहीं इसमें नहीं आ सकता, किसी एक फूड चेन में फूड वेब होना है, अलग अलग फूड चेन को आपस में लिंक करना है। तो ये बैक्टीरिया पे अगर आपने कहा कि मैं इसको बैक्टीरियोफेज से लिंक कर दूं, तो ये अलग फूड चेन है, ये अलग फूड चेन है, तो इतने को डेट्राइटस में लिखोगे, इतने वाले को आप उसको पैरासिटिक में लेके जाओ। मैंने जो आपको फूड वेब बना के दिखाया उसमें ये तो ना किया है कि ये सारी ग्रेजिंग फूड चेन ही तो बनाई है, इसमें कौन सा पैरासाइट है और कौन सा सेप्रोट्रॉफ है। फूड वेब बनाने का मतलब ये थोड़ा है कि आप ग्रेजिंग को पैरासिटिक से और पैरासिटिक को डेट्राइटस से मिक्सअप करके फूड वेब बना। फूड वेब का मतलब है कि एक ही टाइप की फूड चेन जो आपस में इंटर कॉम। ओके सर क्लियर हो गया। जितनी भी इसमें फूड चेन बनी है दे ऑल आर ग्रेजिंग और प्रेडेटरी फूड चेन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी पर पिरामिड और उसके बाद एनर्जी फ्लो मास्क और जो भी कुछ है सीरीज में वो देखेंगे। सर कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं? बेटा फिर मेरी तो क्लास भी हार्ड में से मेरा ब्रेक खत्म हो जाएगा, आप इसको टेस्ट के क्वेश्चन उस पर डाल दो ग्रुप में, मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।